देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार। भारत में मार्च में आ सकती है चौथी लहर। पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों पर भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा है। चीन के शंघाई की 70% आबादी कोरोना संक्रमित। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के एक शमशान में हर दिन 5 गुना ज्यादा आ रही हैं लाशें। परिजनों को शोक मनाने के लिए केवल 5 से 10 मिनट का समय। पाकिस्तान के पीएमओ में बगैर लाइट हुई बैठक। पाकिस्तान बिजली संकट से बेहाल। सरकार ने बचत के लिए प्लान किया जारी। स्पेस से भी दिखी क्वीन एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा। सैटेलाइट फोटोज में रूस यूक्रेन जंग, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र पर कैसे बनता है साइक्लोन दिखा। पाकिस्तान में 2 ISI अफसरों की हत्या। होटल की पार्किंग में अनजान शख्स ने की फायरिंग। अलकायदा तालिबान पर शक। एक बार फिर से मृत सैनिकों की संख्या छुपा रहा रूस। यूक्रेन का दावा, 1 जनवरी को 400 सैनिक मारे गए। रूसी सेना ने कहा कि 89 ही मरे। गोपालगंज के दीपक लेही में शहीद। एनएसजी कैंप जाते समय कमांडो की गाड़ी बर्फबारी में फिसलने के बाद हुआ हादसा। गोपालगंज के रहने वाले थे दीपक। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर बीजेपी का हल्ला बोल। रमन ने कहा कि भूपेश सरकार की गलत नीतियों की वजह से राजभवन में अटकी फाइल। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे मिलेट्स कैफे। विधायकों ने विधानसभा में लिया लंच का लुत्फ। सीएम भूपेश ने दिया था न्यौता। कांग्रेस विधायक की वॉल पेंटिंग पर भाजपाइयों का हंगामा। भाजपाई शासकीय दीवार में बनी पेंटिंग को हटाने को लेकर अड़े। खेलों में गुलजार होगी राजधानी रायपुर। 8 जनवरी से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का होगा आगाज। सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में शीतलहर के हालात। सामान्य से 12 डिग्री तक लुढ़का पारा। बिलासपुर के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 7 जनवरी तक की छुट्टी। दिल्ली में 2.8 तक गिरा पारा, अलर्ट जारी। राजस्थान में शिमला श्रीनगर से भी ज्यादा सर्दी। उत्तर भारत में अगले 5 दिन तक गिरेगा टेम्परेचर। बिहार सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरू। ठंड के बीच मुख्यमंत्री बगहा से दरुआबाड़ी गांव पहुंचे। बोले बजट सत्र के बाद देश की यात्रा करेंगे। वहीं केरला के गांव में राहुल का 5 घंटे का स्टे। 200 यात्रियों को भारत यात्री का दर्जा देगी कांग्रेस। यूपी में अब तक 100 किलोमीटर तक चली है भारत जोड़ो यात्रा। मुंबई में 25वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट। 3 जख्मी, 1 युवक की मौत। सिद्धिविनायक सोसाइटी में हुआ हादसा। उत्तराखंड में चमोली में धस रही जमीन। 500 से ज्यादा घरों में आई दरारें। एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जारी किया कैलेंडर। सितंबर में होगा मेंस वनडे एशिया कप। T20 में ईशान हुड्डा और पांड्या को शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। T20 ICICI रैंकिंग में ईशान 10 और दीपक को 40वां स्थान।